सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ साउंड क्लियर आ रहा होगा। आज मैं ये GoPro में नया वाला माइक डाला है, इसलिए साउंड कैसा आ रहा है पता नहीं मेरे को, शायद थोड़ा सा नॉइज़ आ जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना। आज के वीडियो है रिगार्डिंग डोमिनार में क्या क्या एक्सेसरीज मैंने इंस्टॉल किया है इस बारे में। तो 2019 वर्सन डोमिनार में क्या क्या एक्सेसरीज मैंने लगाए इस बारे में ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए, इसमें बहुत कुछ फ़ायदे का चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत मार्केट से रिसर्च कर करके जो डोमिनार ग्रीन कलर, बेसिकली जो डोमिनार ग्रीन कलर के साथ जो मैचिंग होता है, ऐसा एक्सेसरीज मैं ढूंढ के लगाया हूँ। और इसका प्राइसिंग भी रिजनेबल है और क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। मैं ज़्यादा ब्रांडिंग के पीछे नहीं भागता हूँ। ब्रांडिंग कुछ कुछ सामान ब्रांडिंग लेना सही है होता है, लेकिन ये जो मैंने सामान लगाया है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। इसका क्वालिटी मार्केट में आप वेरीफाई कर सकते हो, इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या मैंने इंस्टॉल किया है। तो सब देखने से पहले एक बार बाइक का लुक अराउंड कर लीजिए। हाँ तो चलिए आगे से शुरू करते हैं। सामने क्या क्या लगा हुआ है? सामने लगा हुआ ये सामने वाला नंबर प्लेट का स्टैंड लगा हुआ है। यहाँ पे लगा रहता है जो आपका स्टॉक में मिलता है, यहाँ पे लगा रहता है। लेकिन ये सामने का ब्यूटी थोड़ा लुक मेरे को सही नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे लगाया है। और इसके साइड में आप देख रहे हो ये एक प्लास्टिक का ब्रैकेट है, जिसके वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील होता है तब नंबर प्लेट टूटने का, या विंड के कारण वो टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए ये वाला लगाया हुआ है। तो इससे थोड़ा मजबूत रहेगा और ज़्यादा देर तक टिकेगा भी। उसका नेक्स्ट में चलते हैं ये नकल गट्स। आप शायद देख रहे हो ये नकल गट्स आपका डोमिनार का कलर के साथ मैचिंग करके लगाया हुआ है, और उसके ऊपर जो इंडिकेटर फ्लैश लाइट है वो और भी सुंदर बना रहा है इसको देखने में। और इंडिकेटर फ्लैश लाइट ये इंडिकेटर के साथ कनेक्टिंग है। अगर आप इसको मैं दिखाता हूँ आपको इंडिकेटर चेंज करके, अगर अभी चलेगा आपका लेफ्ट इंडिकेटर देखिए, और इसको मैं राइट करूँगा तो ये जलेगा राइट इंडिकेटर। और बीच में सेंटर में प्रेस करने से ये दोनों ही इंडिकेटर जलेगा। इसका पैटर्न चेंज होता है, इसका पैटर्न चेंज वो मैं बाद में दिखा रहा हूँ, जो फ्लैशर मैंने इंस्टॉल किया है उसके बारे में। अभी एक बार इसका लुक देख लीजिए कैसा दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये डोमिनार के साथ पूरा मैच करता है। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने इंस्टॉल किया है ये है मोबाइल होल्डर, और यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा हुआ है। इसका क्वालिटी आप देखिए बहुत मजबूत है, और इधर चार्जिंग पोर्ट भी है, यहाँ पे यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से चार्जिंग पोर्ट में चार्जर लगा के यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है,
और इसको और सिक्योर करने के लिए यहाँ पे लॉकिंग दिया गया है। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर रास्ता थोड़ा ख़राब है ऑफ रोडिंग कर रहे हो, या आपका नेविगेशन और ज़्यादा मजबूत बन जाएगा, आपका फ़ोन कभी गिरेगा नहीं। यहाँ से इसका पकड़ बहुत मजबूत बन जाता है, आप ये यूज़ कर सकते हो। इसका मैं प्राइस में लास्ट में सब चीज़ का प्राइस मैं बता दूंगा सीरियली, तो आप लोगों को प्राइस मालूम चल जाएगा। आप आफ्टर मार्केट से ख़रीद सकते हो ये जाके, इसका क्वालिटी बहुत ही सही है। अच्छा, ये मोबाइल होल्डर है 5 वोल्ट का मोबाइल होल्डर है, और इसका एक्सिस भी चारों तरफ मूव होता है। आप कहीं पे भी फिक्स कर सकते हो, इसको रोटेट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इंस्टॉल किया है वह है ये सिमटेक का फ्लैश। और सिमटेक का सबसे बेस्ट होता है मार्केट में एज़ पर माई नॉलेज। मैंने चेक किया है पूरा, और चेक करके ये यहाँ पे देखिए, आप ऑन ऑफ का बटन है, इसमें ऑन ऑफ कर सकते हो। और नीचे इसका पैटर्न चेंज करने का है, 25 पैटर्न चेंज होता है। अगर आप आपको दिखाए, आप देख सकते हो पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। इसमें आप अपना पसंदीदा पैटर्न सेट करके फिर लगा सकते हो। बहुत सारा पैटर्न है, आपको पसंद आएगा। ये नाइट राइडिंग के लिए बहुत काम का चीज़ है, हैज़र्ड लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, दूर से दिखाई देता है, इसका आइडेंटिटी दूर से दिखाई देता है, तो नाइट राइडिंग के लिए बहुत सुविधा का चीज़ है ये, दूर से आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका काम तो मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में बता ही दिया जब मैंने नकलगढ़ का इंडिकेटर दिखा रहा था। इसका फंक्शन, आप इंडिकेटर एक साइड का इंडिकेटर दोगे तो इंडिकेटर का ही काम करेगा, राइट साइड का इंडिकेटर दोगे राइट साइड का ही काम करेगा। अब जब बीच में आप प्रेस करोगे, बीच में प्रेस करने से ये दोनों साइड का इंडिकेटर फ्लैश होगा। उसके बाद आप देख सकते हो सामने, जैसा मैंने ब्रैकेट बोला, ब्रैकेट और नंबर प्लेट के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, और पीछे भी मैंने लगाया हुआ है, तो ये पीछे भी काफ़ी सुंदर दिखता है। इसके वजह से ये ब्लैक फ्रेमिंग जैसा बन जाता है और स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है, तो इसके वजह से आपको वो जो टेढ़ा होने का जो रीज़न मैंने बताया, इसी वजह से मैंने लगाया है। और ये आपका ब्यूटी भी थोड़ा इन्हेंस करता है, तो इसीलिए मैंने लगाया। आप देख सकते हो, और एक बार सामने से भी ये काफ़ी सुंदर दिखता है नीचे से। और एक चीज़ जो मैंने इंस्टॉल किया है ये हैंडल बार राइजर। ये हैंडल बार राइजर लगाना है तो आप अगर मार्केट में चले जाओगे तो वहाँ पे एक से बढ़कर एक हैंडल बार राइजर मिल जाएगा। लेकिन आप ना, आप क्वालिटी वाला देखिएगा जिसका वेट अच्छा होगा और मटेरियल आपको सही मजबूत दिखे, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा हैंडल टिका हुआ रहता है। और आप ये पेंट भी कर सकते हो बाद में, पेंट करके इसका ब्लैक कलर, मेरा जैसे सिल्वर कलर था, मैं ब्लैक में पेंट करके फिर लगाया। और इसके ऊपर, इससे क्या होता है, हैंडल थोड़ा ऊपर हो जाता है तो आपका हैंडलिंग पोस्चर अच्छा मिल जाता है। जब आप बहुत लॉन्ग राइड करते हो, लॉन्ग राइड करने के वजह से आपका हाथ का वो पंप में थोड़ा दर्द होने लग जाता है, तो पंप में दर्द, इसका पोस्चर थोड़ा अच्छा हो जाता है। सिटिंग पोस्चर अच्छा हो जाने के और हैंडल ऊंचा हो जाने के वजह से क्या होता है, आपका सिटिंग पोस्चर हो तो हैंड थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने हैंडल बार राइजर लगाया हुआ है। आपको भी सजेस्टेड है ये, आप हैंडल बार राइजर लगा सकते हो, वो मार्केट में जाके अच्छा क्वालिटी वाला हैंडल बार राइजर लगा सकते हो, जिससे आपका सिटिंग और राइडिंग दोनों ही थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा और आप ज़्यादा दूर तक राइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसका एक्सेसरीज़ का फिटिंग आप लोगों को देखने चाहते हो तो उसका भी वीडियो मेरे पास है, मैं जहाँ पे गया था उसका फिटिंग का वीडियो, पूरा सारे एक्सेसरीज़ का फिटिंग का वीडियो है। अगर आप लोग ऑनलाइन से मंगा के खुद इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उसका वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो कमेंट डाउन बिलो, और
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल सुबह मेरा राइड है मंदरमणि का, और छोटा सा राइड है पता है मेरे को, ये वाला डोमिनर से मेरा पहले वाला राइड है, और पहले मैं गया हुआ हूँ लेकिन ये वाला डोमिनर से मेरा पहले वाला राइड है, और होप करता हूँ आपको वो वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। उसका अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ पे नीचे पे आ रहा है इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज़ उसको जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पे वह आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा और ब्लॉग भी बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।